Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफ़त, जुलेखा किचन से। सो आज जो रायता बन रहा है वो स्पेशली इसके लिए क्योंकि आप बिरयानी पुलाव किसी के भी साथ सर्व कीजिए, नॉर्मली ऐसे भी रोज बनाकर आप सर्व कर सकते हैं, जिसका नाम है बूंदी रायता। तो चलिए बनाते हैं साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बूंदी रायता आज का। चलिए, एक पतीली के अंदर एक कप पानी डाल दीजिए और उसे हल्का गुनगुना कर लीजिए। अच्छा, आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ गुनगुना करना है। ये 1/3 कप बूंदी है, इसे मैं साइड पर रख रही हूँ। पहले तो हल्का सा गुनगुना हो गया, मैंने चूल्हा कर दिया बंद और यहाँ पर 1/3 कप बूंदी डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए और मैं तकरीबन 1 मिनट तक इसे भीगने देती हूँ ये पानी के अंदर। अब आप चाहें तो तब तक रहने दें जब तक फूल नहीं जाती। चलिए, जब 1 मिनट हो गया तो मैंने इसे, ये देखिए फूल गई ना, तो इसे मैं छान कर छन्नी के ऊपर 1-2 बार उसे झटक लीजिए कि जो एक्सेसिव पानी है वो निकल जाए और इसे साइड पर रख दीजिए। अच्छा, यहाँ दूसरा तरीका भी ये है कि आप पानी वगैरह कुछ गर्म मत कीजिए, 1 कप पानी के अंदर ये बूंदी डाल दीजिए, तब तक रहने दें जब तक आपकी ये जो बूंदी है ये फूल नहीं जाती, उसके बाद छान कर साइड पर रख दीजिएगा। ये दोनों तरीके ही सही है, मैंने थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाला था। चलिए, अब एक प्याले के अंदर 1/2 कप दही डाल दीजिए। अब इस दही के अंदर मैं डाल रही हूँ 2/4 छोटे चाय के चम्मच शक्कर, 2 टेबलस्पून पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से इसे विस्क कर लीजिए, मतलब बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तब तक मिक्स कीजिए जब तक घुल नहीं जाते और क्रीमी टेक्सचर नहीं हो जाता दही। अच्छा, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है पानी, तो मैं थोड़ा सा और पतला कर रही हूँ क्योंकि हमें बूंदी भी डालनी है, तो मैंने 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा डाला, मतलब टोटल 4 टेबलस्पून डाला। हाँ, बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कुछ नहीं है, शक्कर से ऐसा कुछ मीठा नहीं होने वाला है, एक फ्लेवर अच्छा बैलेंस्ड आएगा, इसके लिए हमने शक्कर डाला है। अच्छा, शक्कर पूरी तरीके से जब पिघल जाए, तो तब तक मैंने कंटिन्यूस चलाया। हाँ, तो अब डाल देती हूँ मैं ये बूंदी सारी, थोड़ी सी मैंने साइड पर रख दी है प्रेजेंटेशन के लिए। अब इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोथमीर यानी कि हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, अच्छा मैंने थोड़ा सा हरे धनिया के साथ पुदीना डाला था। हाँ, अब इसमें डाल दीजिए 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काला नमक, 1/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए और 1/4 छोटा चाय का चम्मच या फिर चुटकी भर नमक डालिए, मैं तो बोलूँगी चुटकी भर ही डालिए। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद टेस्ट कर लीजिए, नमक कम लगे तो डाल दीजिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा खट्टापन कम है तो आप चाट मसाला डाल दीजिए, मिर्च चाहिए तो आप मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने और ऊपर से थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाला है। अच्छा, बहुत अच्छे से जब आप मिक्स कर लें तो इसे एक प्याले में निकाल लें, मुझे एकदम परफेक्ट लग रही है, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, इसका टेस्ट ऐसा होता है बढ़िया सा, एकदम चटपटा सा, हाँ मतलब हल्का का मिठास, तिखास और जैसे इसका थोड़ा सा चाट मसाले का खटास, तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको खा के। ऊपर मैं थोड़ी सी कोथमीर डाल देती हूँ यानी कि हरा धनिया प्रेजेंटेशन के लिए, और थोड़ी सी जो बूंदी साइड पर रखी थी ना वो भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा खूबसूरत लगने के लिए जीरा पाउडर डाल दीजिए, आप चाहें तो थोड़ा चाट मसाले का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, और ये बन गया हमारा बढ़िया सा, सर्व करने के लिए रेडी है मज़ेदार चटपटा सा किंग ऑफ रायता बूंदी रायता। तो है ना मजेदार रेसिपी, ये वाली रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।